यही नहीं, अभी और सुनिए। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से करने वाले हैं माइनक्राफ्ट। सो लास्ट वाले वीडियो में आप सभी ने जैसा कि देखा होगा कि हमने अपना जो सेमी ऑटोमेटिक फार्म था वो आधा सा बना, आधा मतलब कुछ उसका सिर्फ एक झलक हमने दिखाई थी कि हमारा प्लान कैसा होने वाला है। सो इस वाले वीडियो में आप देख सकते हैं हमने पूरा का पूरा ढांचा बना दिया है। सिर्फ अभी हमें सिर्फ ये सारा डर्ट डालना है और जो कनेक्शन है वो डिस्पेंसर के वो करने। तो हमें जल्दी से आगे चलते हैं और वहाँ से शुरुआत करते हैं अपने काम की। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक कंक्रीट का एक बेस बना लिया है, ये कोबाल्ट स्टोन का, सॉरी कंक्रीट का बोल रहा हूँ। और बाकी ये डर्ट होने वाला है और ये इसका मिडल है, ऐसा ये हमने करा है। और यहाँ पे पानी होने वाला है, पानी मतलब ये पानी अपने पौधों के लिए होने वाला है। और यहाँ पे हम डिस्पेंसर लगाएंगे इसके ऊपर और उससे हमारा कुछ अलग मज़ा आने वाला है। सो यहाँ पे हमने बहुत सारा सामान भी इसके लिए इकट्ठा कर लिया और जितना भी आयरन था ना भाई सब चला गया अपने पास से, क्योंकि भाई हॉपर से इतने लगने वाले अपने को वो बना दिए और बाल्टी बना दी बहुत सारी उसकी वजह से। सो यहाँ पे हम जल्दी शुरू कर रहे हैं और ऐसा हमने को पूरा का पूरा बेस बनाना है इसका। सो ये हम शुरुआत करते हैं अभी यहाँ से। ओ सो ये हमने पूरे के पूरे 7 ब्लॉक्स बनाए, मतलब 7 ब्लॉक का एक प्लेटफॉर्म बनाया और लास्ट वाला 8 ब्लॉक का है, क्योंकि वहाँ पे हमें पानी रोकना है भाई, आगे नहीं जाने देना। सो ऐसा हमारा प्लान है पूरा का पूरा। और ये हमारा जायंट फार्म होने वाला है, अभी सेमी ऑटोमेटिक फार्म है, बहुत मज़ा आने वाला है भाई, मैं आपको दिखाऊँगा बाद में। सो सबसे पहले ये पूरा कम्प्लीट कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक साइड हमने कंप्लीट कर दी, तो ये वाली साइड अब हम कंप्लीट करते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? और एट गैस, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लेवल हमारा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे देखो भाई एक नाली टाइप तैयार हो चुका है। सो ऐसा ही हमें पूरे के पूरे चारों को चारों ब्लॉक्स करने हैं कंप्लीट। सो जल्दी और राइट गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमने पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बना दिया है और यहाँ पे हमारा सेमी ऑटोमेटिक फार्म अभी 50% हो चुका है। सो अभी 50% कनेक्शन बाकी है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम अभी ट्राई टेस्ट कर लेते हैं, मतलब होता है क्या नहीं अपना। ये जो है ये देखो भाई 7वें ब्लॉक पे पानी आने के बाद वो और ऐड हो जाता है आगे जाने के लिए। सो ये फिर से ऐड हो चुका है और यहाँ पे रुक चुका है और ये हम पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो चुके हैं भाई। इसमें आप देख ही सकते हैं पानी कैसे, मतलब बहुत सही काम कर रहा है यार। तो ये पानी ऐसा ही रहने वाला है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे और इसके बाजू में जो चीज़ें लगने वाली वो सबसे पहले जाके ले आते हैं। तो पानी के साथ ही चले जाते हैं अभी, जाने दो भाई। अभी अपने को जो चीज़ें ले जानी है वो है भाई ये सारे अपने डिस्पेंसर और यहाँ ऊपर वगैरह तो नीचे ले जाएंगे। सो रेड स्टोन डस्ट बहुत सारा चाहिए, रिपीटर भी हमने बना लिए भाई, वो भी हमें बहुत सारे चाहिए। अब ऐसे सालों 2 मिनट चुप रहो ना, ये कर रहे हो यार, क्या ही परेशान कर रखा है इन्होंने। सबसे पहले तो इनका कुछ अलग फार्म और एरिया बनाना पड़ेगा। और राइट गाइस, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। सो अभी हमें यहाँ पे अपने तरफ मुंह करके डिस्पेंसर लगाने हैं। सो एक दो, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। एक दो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, देखो भाई 11 डिस्पेंसर्स हमने यहाँ पे इस साइड लगाए, इस साइड भी 11 लगेंगे। अब बेकार लगे जा रहा है। 1, 2 अबे साले। और राइट गाइस, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहले ही मेरे पास 9-10 रिपीटर थे और मैं जाके बना के लेके आया। सो कनेक्शंस के लिए हमें रिपीटर को ऐसा रखना है उसकी तरफ मूव करके। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा एक बार मैं जो बोल रहा हूँ ना वो शांति से पूरा सुन लीजिए बिना बीच में बोले। सो सभी के पीछे मैं रिपीटर लगा रहा हूँ क्योंकि भाई बहुत दूर से हम करंट पास करने वाले, क्योंकि हर बार हम इतनी दूर तो आ नहीं सकते ना भाई बटन ऑन ऑफ करने के लिए। सो हमें उधर की तरफ ही कनेक्शन बटन रखना पड़ेगा, मतलब अपना जो भी बटन है वो रखना पड़ेगा। सो उसके लिए हमें बहुत ही पीछे से ये बनाना पड़ेगा। और मैं थोड़े से स्मूथ स्टोन भी लेके आया था। सो स्मूथ स्टोन से हम पूरी की पूरी बाउंड्री, मतलब बाउंड्री बनाने वाले अपने इस वाले
फार्म को। सो ये बाउंड्री बनाने के बाद में आप लोगों को मिलता हूँ। A few moments later. Alright guys, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमने पूरे अपने फार्म को एक बाउंड्री बना लिया है और ये बाउंड्री से एक पानी भी बाहर नहीं जा सकता और अपने को एक कनेक्शन के लिए भी चाहिए थी। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सो अभी हम अपने हर वाले एक डिस्पेंसर में एक बाल्टी पानी रखने वाले हैं। वे कहाँ नीचे गिर गए। और रेड गाइस, तो धीरे धीरे करके हमने सारे डिस्पेंसर में पानी की बाल्टियाँ रख दी हैं। अभी कनेक्शन का टाइम आ चुका है। सो अपने को अभी रेडस्टोन चाहिए। सो वहाँ से हम रेडस्टोन का पूरा जाल यहाँ पे बिछाने वाले हैं। सो ये कनेक्शन जाएगा ऐसे करते 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 और इसको हम बाद में बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड भी कर देंगे भाई। ये तो हमने फ़िलहाल बनाया है। और राइट गाइस, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमने पूरे के पूरे कनेक्शंस यहाँ पे खींच के यहाँ तक लाए हैं और अभी इसके ऊपर चढ़ाएंगे भाई हम कनेक्शंस। सो यहाँ पे एक रिपीटर और लगा देते हैं क्योंकि भाई बहुत ही दूर से करंट आने वाला है। सो यहाँ पे एक रिपीटर रखेंगे वापस से यहाँ पे। और ये देखो भाई, ये अपने कनेक्शंस पूरी तरीके से हो चुके हैं और आगे जा के देख लेते हैं हम थोड़ा सा और रिपीटर की ज़रूरत है या नहीं। तो यहाँ तक यहाँ पे एक रिपीटर लगा देते हैं, मतलब कोई गड़बड़ ही ना हो भाई, ऐसा हम चाहते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी अपना फार्म बहुत ही सही दिख रहा है यहाँ से। तो अभी अपने को नीचे के काम करने, मतलब कलेक्शन सिस्टम बनाना है इसका। उसके लिए अपने को जो हॉपर चाहिए चेस्ट सारे के सारे हम उठा कर लेके आते हैं। अभी हॉपर्स चाहिए बहुत सारे, लीवर भी ले लेते हैं और ये भी ले लेते हैं लगेगा तो ऊपर चढ़ने के लिए। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी यहाँ पे हम बनाएंगे अपना कलेक्शन सिस्टम। सो ये हमारा आखिरी ब्लॉक है। सो यहाँ पे अभी लगेंगे हॉपर, यहाँ पे हम रखने वाले हैं चेस्ट, उसके बाद यहाँ पे हम रखेंगे लगाएंगे हॉपर एक और इसको जॉइंट। नहीं भाई, तू गलत लग गया भाई। सो यहाँ पे हम लगाएंगे इसको हॉपर, ऐसा ही करते करते हम सारे हॉपर लगाने वाले हैं। हाँ, सो ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अपनी ये भी कनेक्शन सिस्टम पूरी की पूरी, मतलब कलेक्शन सिस्टम कंप्लीट हो चुकी है। सो ये अभी हम बढ़ा सकते हैं बाद में ये। और ये देखो भाई, अपना ये कलेक्शन सिस्टम पूरा का पूरा अभी बन चुका है। सो उसके लिए अभी हम ऊपर चलते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी ऐसा हमारा फार्म अभी दिख रहा है फिलहाल। सो उसका वर्किंग अभी अपने को देखना है। सो उसके लिए अभी यहाँ पे जाना पड़ेगा और लीवर लेके यहाँ पे लगाना पड़ेगा। सो 1, 2 और 3। ओ भाई, नहीं भाई कुछ गलत 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 हो रहा है कुछ तो। नहीं सारुंग, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है भाई हमारा। ए लोड कर, हाँ जरा स्क्रू ड्राइवर दे रहे। इट्स सेमेस्टर्स लेटर। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारे फार्म का फाइनल लुक है भाई और ऐसा ही हमारा फार्म दिखने वाला है। इसमें मैंने बहुत सारे चेंजेस किए और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि जब तक मैंने सीड्स बोए थे, मतलब लगाए थे, और वो आने तक मैंने ये सारा काम कर दिया। वो बहुत सारा वुड भी मुझे इसमें लगा और अगले वीडियो में हम शायद से वुड फार्म बनाने वाले क्योंकि अभी भाई ट्री बचे नहीं रहे हमारे यहाँ और सारे ट्री तोड़ देंगे तो फिर रहेगा क्या भाई। सो मेरा मतलब ये है कि हम एक वुड फार्म ही बना लेंगे। सो बहुत सही हो जाएगा अपने लिए और उसके बाद हमें बहुत सारी चीज़ें भी करनी है वुड की उसके आगे। सो उसके लिए वुड तो चाहिए होगा। सो अभी हमने अपने फार्म का फाइनल लुक तो देख ही लिया है। सो उसका वर्किंग भी देख लेते हैं एक फाइनल सा। और यहाँ पे देखा हमने पूरा कलेक्शन सिस्टम का एक ये बनाया है और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा कलेक्शन सिस्टम और यहाँ चेस्ट रखी दो और यहाँ से ऊपर जाने के लिए ये देखो भाई इतना लूट मुझे मिला। पहली बार मैंने किया था बट वो कुछ दिखाने लायक वर्क नहीं किया। सो ये कलेक्ट करके मैंने किया था। सो अभी ये देखो भाई, ये हमने पूरा बनाया है और ये सिर्फ मैंने टेम्पररी बनाया है ऊपर देख के चढ़ने के लिए। सो देखते हैं अपना कैसा होता है। सो 1, 2 और 3 भाई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई कितना सेटिस्फाइंग फीलिंग हो रहा है इसका, मतलब समझ जाओ भाई क्या ही लग। ओ भाई ये गजब क्या हो गया भाई, मतलब कुछ ना कुछ तो होना ही है, कुछ गड़बड़ हो गया है अभी बीच में। सो आप देख सकते हैं भाई पूरे, मतलब एक ही क्लिक में हमारा फार्म वर्क तो कर रहा है बट यहाँ पे कुछ फिलहाल कुछ ग्लिच हो गया होगा। चल झूठा। सो वो हम बाद में कर देंगे। सो आप देख सकते भाई, और भाई इसको कलेक्ट करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है क्योंकि एक एक हॉपर में से वो आते रहता है। और ये देखो भाई अभी भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, मतलब बहुत सारा। सो अभी नीचे देखते हैं,
ये देखो भाई नीचे जा गया, देखो भाई बहुत सारे, और इसको आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वाले वीडियो को लाइक करो, और जो भी अगले वीडियो के बारे में सजेशन होंगे वो कमेंट करो भाई, और अपने भाई का ही चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना भूलना मत, क्योंकि अगर मैंने अगला वीडियो पोस्ट किया तो उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा। सो इस वाले वीडियो में इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल दैट गुड बाय।